काफ़ी सारे पुरुषों को ऐसा लगता है कि फास्ट स्ट्रोकिंग करने से फीमेल पार्टनर काफ़ी जल्दी सेटिस्फाई होता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है सेक्स को। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो प्लीज़ स्टॉप हो जाइए, ऐसा नहीं है। अगर आप फास्ट स्ट्रोकिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक आप स्ट्रोकिंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फीमेल पार्टनर उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हो सकता है उसको पेन भी हो रहा हो। तो आखिर कैसे पता करें, आखिर कैसे जाने कि आपका पार्टनर फास्ट स्ट्रोकिंग को एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए। काफ़ी सारे लड़के या काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जिनको फास्ट स्ट्रोकिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनकी फीमेल पार्टनर इतना एंजॉय नहीं कर पाती है फास्ट स्ट्रोकिंग को। तो वो क्यों नहीं कर पाती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेल्स में अक्सर क्या होता है, कहीं ना कहीं हर लड़के की, हर पुरुष की, जब वो अपनी टीनेज में होता है, मतलब जो अपनी युवा अवस्था में होता है, तो मास्टरबेशन हर पुरुष, हर लड़का करता है जब वो अपनी युवा अवस्था में होता है। तो उनकी जो आदत होती है ना, वो स्पीड की पड़ी हुई होती है, वो फास्ट, जितना फास्ट करेंगे उनके माइंड में एक चीज़ बैठी होती है कि हम जितना फास्ट प्ले करेंगे उतना ही हमको ज़्यादा अच्छे से हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से हम प्लेजर को हासिल कर रहे हैं। वो अपना खुद का सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आपका जो फास्ट स्ट्रोकिंग है वो आपकी फीमेल जो पार्टनर, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप किसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, आप रिलेशन में हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उनके साथ संबंध बना रहे हैं, जरूरी नहीं है आपकी फास्ट स्ट्रोकिंग उनको भी पसंद आए। ठीक है, यहाँ पर लड़के ये गलती करते हैं रिलेशनशिप में या शादी होने के बाद, वो सोचते हैं कि जितना फास्टली हम करेंगे उतना ही हमारा फीमेल पार्टनर एंजॉय करेगा। तो ऐसा नहीं होता है। 100% में से कुछ परसेंट महिलाएं होती है जिनको फास्ट स्ट्रोकिंग पसंद है, लेकिन कुछ परसेंट महिलाएं ऐसी होती है जिनको स्लो स्ट्रोकिंग पसंद है, उनको फास्ट स्ट्रोकिंग पसंद नहीं है, उनको प्लेजर नहीं मिलता है फास्ट स्ट्रोकिंग से। तो अब क्या करें, अब आपका जो फीमेल पार्टनर है वो चाहता है कि आप स्लो डाउन रहें, एंड आप चाहते हो कि हम फास्ट स्ट्रोकिंग करने से ही हमको प्लेजर मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म करिए, अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को देखकर ये चीज़ पता लगा सकते हैं, उनके जो फेस के एक्सप्रेशन है या उनकी आवाज़ है या फिर जैसे भी हैं, आप पता लगा सकते हैं अगर आप फास्ट स्ट्रोकिंग कर रहे हैं और उस दौरान आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो एंजॉय कर रही है, उनको पेन नहीं हो रहा है या फिर आपसे नहीं बोल रही है, वो आपको और मतलब उत्साहित कर रही है कि हाँ आप और भी मतलब फास्टली कर सकते हैं, तो वहाँ पर इशू नहीं है, मतलब आपकी फीमेल पार्टनर उस चीज़ को एंजॉय कर रही है। तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी फास्ट स्ट्रोकिंग से आपके फीमेल पार्टनर को पेन हो रहा है, वो आपको बोल रही है रुकने के लिए, स्टॉप होने के लिए आपको बोल रही है, वो रो रही है या फिर आवाज़, मतलब उनकी आवाज़ें रोने वाली हैं, तो फिर आप यहाँ पर स्टॉप हो जाइए, आप यहाँ पर फास्ट स्ट्रोकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी फीमेल पार्टनर का भी दर्द देखना पड़ेगा। क्योंकि सेक्स दो लोगों का मतलब होता है, जब दो लोग मिलते हैं तभी हम सेक्स को परफॉर्म कर पाते हैं। तो आप अपना फ़ायदा मत देखिए, अगर आप उस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं लेकिन आपका फीमेल पार्टनर नहीं कर पा रहा है, तो आपको भी वहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि एक पार्टनर को पेन हो रहा है तो दूसरा पार्टनर कैसे एंजॉय कर सकता है सेक्स को, नहीं कर सकता ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखिए मुझे कई बार आप लोगों के कमेंट मिलते हैं कि मैम हमारा सही से इरेक्शन नहीं हो पाता, ये हमारे साइज को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हम साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं नेचुरली तरीके से। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप अभी से यूज करना शुरू कर दीजिए नेचर मेनिया का लिफ्ट अप ऑयल। ये काफ़ी बेस्ट आयुर्वेदिक ऑयल है जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। साइज से रिलेटेड इशू है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिनका तनाव सही से नहीं आ रहा है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टाइमिंग से रिलेटेड इशू है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको मिलकर जिन चीज़ों से बनाया गया है वो है अश्वगंधा, लौंग, सफ़ेद मुसली, सतावर, काफ़ी सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है आपकी मसल्स के लिए, जो आपके प्राइवेट पार्ट की मसल्स होती है उसके लिए, ताकि उसका तनाव बरकरार रहे, ठीक है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। तो उसके लिए आपको इससे मसाज करनी पड़ेगी, 2 टाइम आप मसाज कर सकते हैं, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना कि आपके फीमेल पार्टनर को कोई साइड इफेक्ट होगा। आप इसको अपने पार्ट पर लगाकर मसाज करके भी आप सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों सेफ रहेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर इस ऑयल को बनाया गया है। तो आपको इसको कहाँ से बाय करना है, इसका जो नंबर है मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन पर, इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदते समय आप ये होलोग्राम जरूर चेक कर लें, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट बाई किया है। साथ ही साथ ये 30 ml की इसकी ऑयल बोतल है, अगर आप बड़ी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो स्मॉल भी खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ महिलाओं को फास्ट स्ट्रोकिंग पसंद है लेकिन कुछ महिलाओं को स्लो पसंद है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो कि फास्ट स्ट्रोकिंग आपको कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।